नमस्कार, T20 वर्ल्ड कप के इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आपसे महज 24 घंटे के बाद न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच बड़ी टक्कर होने वाली है। इस मैच से पहले न्यूजीलैंड के गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने टीम इंडिया को चेतावनी दी है। बोल्ट ने कहा कि वो शाहीन अफरीदी की तरह टीम इंडिया पर पावर प्ले में अटैक करेंगे। बोल्ट की चुनौती पर कप्तान विराट कोहली ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर बोल्ट शाहीन बनना चाहते हैं तो हम भी काउंटर अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार। You know, Trent says he wants to replicate what he did, what Shaheen did against us. Obviously, he's motivated to do so, and we have to be motivated to counter that and try and put pressure on him and the other bowlers as well. So that's how basically the game goes anyway. We've played against all these bowlers for a long period of time, and we understand exactly what we need to do. All that matters now is when we step onto the field, what kind of mental frame we are in. If we are absolutely confident of hitting that ball clearly and not thinking about any other scenarios, I think that's key to batting in high pressure situations and something that we are really looking forward to execute as a team. और वहीं विराट कोहली ने टॉस को भी काफी अहम बताया है। विराट के मुताबिक पूरे टूर्नामेंट के दौरान टॉस बड़ा असर डालेगा। Yeah, it will continue to be a big factor, and that's the nature of this tournament. You can look at this situation in two ways. Either you can bank too much on the toss, or you can challenge yourself as a team to say, okay, if you lose the toss, we are good enough to bowl or bat in any conditions. And that should be the attitude, because you don't have time in the shortest format of the game to think too much about what happened at the toss. टीम इंडिया के कप्तान ने भारतीय गेंदबाजों का भी बचाव किया। विराट कोहली ने भुवी से लेकर बुमराह तक का बचाव किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या की फिटनेस की पूरी जानकारी दी। विराट ने शार्दुल ठाकुर को लेकर भी टीम का प्लान बताया। टीम इंडिया से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हमारे खेल संपादक शिवेंद्र कुमार सिंह। एक एक करके उनकी बात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक गेंदबाज को टारगेट नहीं करेंगे। ये सवाल भुवनेश्वर कुमार को लेकर था। उन्होंने कहा कि जब पूरी टीम की गेंदबाजी यूनिट ने ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसमें सिर्फ भुवनेश्वर कुमार पर टारगेट करना ठीक नहीं है। दूसरा, जसप्रीत बुमराह को लेकर उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं तीनों फॉर्मेट में, और उनसे सिर्फ क्रिकेट फैंस को नहीं, सिर्फ टीम इंडिया को नहीं, बल्कि उनको खुद से बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है, और ऐसा कभी कभी ही होता है कि वो कोई भी विकेट ना ले पाए। शमी को लेकर वो बहुत आक्रामक थे। उन्होंने कहा कि जो लोग शमी पर हमला कर रहे हैं वो स्पाइनलेस लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि मैदान के भीतर क्या हो रहा है। हार्दिक पांड्या को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि हार्दिक पांड्या अब फिट है। आखिरी बात शार्दुल ठाकुर को लेकर जो उन्होंने कही अहम, वो ये कही कि शार्दुल ठाकुर स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर अपने साथ लेकर आते हैं बहुत सारी वैल्यू। तो ये सारे संकेत जो है दिखाते हैं कि किस तरह की प्लेइंग 11 विराट कोहली के दिमाग में चल रही है, जिसका खुलासा वो मैच के पहले ही करेंगे। कैमरामैन निशांत कुमार के साथ शिवेंद्र कुमार सिंह, TV9 भारतवर्ष, दुबई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।